डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़े समर सीजन। समर सीजन के आगे पढ़े द मानसून। मानसून में हम लोग पढ़े कि मानसून को रेनी सीजन भी कहा जाता है, यह मिड जून में आता है और सितंबर तक लास्ट हो जाता है। उसके आगे पढ़े कि मानसून जून में आना शुरू होता है और वो इंडिया के केरला से आना शुरू होता है और जुलाई में पूरे देश में लगभग बारिश होती है। मौसिन राम और चेरापूंजी मेघालय का दो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड भर में। और राजस्थान एंड कच्छ, ये ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ सबसे कम रेनफॉल होता है, ये हम लोग पढ़े। उसके बाद तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में अक्टूबर के मंथ में मानसून आता है, एंड अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में मानसून आता है और वो मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से आती है। इसके आगे हम लोग देखे थे कि मानसून सदर्न मोस्ट पार्ट से मीन्स कन्याकुमारी केरला से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में मानसून जाती है। उसके आगे पढ़े थे एग्रीकल्चर इंडिया का मेन, इंडिया के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है, जिसके कारण मानसून बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ के फार्मर्स के लिए। कभी कभी मानसून विंड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, मीन्स कभी बढ़ जाते हैं मानसून विंड्स, कभी ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण फ्लड आ जाता है, और मानसून विंड्स कभी कम हो जाते हैं जिसके कारण बारिश होती ही नहीं है और ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। उसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं विंटर सीजन। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर विंटर बिगिंस टू सेट इन। अक्टूबर के लास्ट में विंटर शुरू होता है। नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर। रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा। द नॉर्थर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस सेवियर कोल्ड एंड द माउंटेनस एरियाज रिसीव रेनफॉल स्नोफॉल। जो नॉर्थर्न प्लेन है वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडी पड़ती है और जो माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ स्नोफॉल भी होते हैं। डिजर्ट एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट अल्सो हैव सेवियर विंटर। जो डिजर्ट एरिया है नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ भी सेवियर विंटर होता है, मीन्स सेवियर कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जनवरी फेब्रुवरी एंड द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द सीजन। विंटर सीजन का सबसे कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने वाला मंथ जनवरी एंड फेब्रुवरी है। द सदर्न पार्ट ऑफ द ऑफ इंडिया हैज़ मिल्ड विंटर। जो सदर्न पार्ट इंडिया का है वहाँ हल्का विंटर होता है, ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है। बाय द मिडल ऑफ मार्च इट बिगिंस टू गेट वार्म अगेन एज द शॉर्ट सीजन स्प्रिंग हेराल्ड्स द कमिंग ऑफ द हॉट समर। मार्च के मिडिल में फिर से वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है और एक शॉर्ट सीजन स्प्रिंग सीजन आती है जो पहले से
यह सूचना दे देती है, स्प्रिंग सीजन यह सूचना दे देती है कि फिर हॉट समर आने वाला है, हॉट समर के आने का टाइम हो रहा है। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।